Assalamualaikum. Hello यार तो बिलियो मित्रों से लियो बकरियो ते ले लियो कि ले ठीक हो ना। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे, अपने प्यारे प्यारे जानू मानू मजे में होंगे। तो आ चुके हम लोग एक और मजेदार वीडियो के साथ, और इस टाइम पे मेरे पास है iPad mini 6। इसका बॉक्स रखने का मकसद ये था कि ये वाला जो iPad है ना, जिस टाइम पे जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बॉक्स के साथ है। इसका ओरिजिनल चार्जर वगैरह केबल शेबल सब कुछ साथ है, और ये मतलब फॉर सेल भी है। तो इसकी प्राइस वगैरह मैं आगे चल के आप लोगों को बता देता हूँ, और अभी हम लोग इसका गेम प्ले का टेस्ट वगैरह कर लेंगे कि इसके अंदर गेम की परफॉर्मेंस क्या आती है। देखो यार, इस टाइम पे अगर बात की जाए ना iPad Pro के बाद 60 FPS पे कौन सी वाली डिवाइस इस टाइम पे परचेज करनी चाहिए, सबसे तगड़ी डिवाइस इस टाइम पे, वो फिर iPad mini 6 ही है। उसकी वजह ये है कि यार iPad mini 6 एक पावरफुल चिप लगी हुई है, A15 बायोनिक के साथ आती है, तो इसको आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और दूसरी ये चीज के मिनी की सीरीज में मिनी 5 एक लॉन्ग टाइम निकाला, उसके बाद मिनी 6 इस टाइम पे एक पावरफुल डिवाइस है, और उसके बाद अभी तक स्टिल कोई भी मिनी 7 वगैरह नहीं आया हुआ। हो सकता है ये जो आने वाला सितंबर है उसमें मिनी 7 आ जाए, लेकिन ये मोस्टली ऐसे होता है कि दो दो तीन तीन साल बाद ये मिनी की सीरीज निकालते हैं, क्योंकि इसको इतना पावरफुल बना देते हैं कि ये लोग फिर नई चिप वगैरह और नई चीज लाने के लिए दोबारा इनको ये टाइम लेते हैं इसमें। फिर अभी इससे रिलेटेड, मिनी 6 से रिलेटेड सबसे पहले बता देता हूँ उसके अंदर है क्या कुछ, और डिवाइस को आप लोग सारा ओवरऑल देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 8.3 इंच का ये इसका हम लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है। बेजल्स की अगर बात की जाए तो यार बेजल्स छोटी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी बेजल्स नहीं है। मिनी 5 जितनी बेजल्स नहीं है, मिनी 5 की काफी बड़ी बेजल्स होती हैं। जो लोग नए नए शिफ्ट होते हैं अचानक मोबाइल से, क्योंकि मोबाइलों की बेजल्स बिल्कुल ही ना होने के बराबर होती हैं, तो उन लोगों को जॉयस्टिक भी छूटती है, उन लोगों को टच में भी मसला आता है, मतलब हाथ पूरे नहीं आ रहे होते। अच्छा, कैमरा के हिसाब से अगर बात करें तो यार कैमरा ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा वाला नहीं होता इनके अंदर iPads का। आप लोगों को पता है कि ये डिफरेंट काम के लिए बने हुए होते हैं, तो इनके लिए कैमरे के लिए ये इतने कोई खास बने हुए नहीं होते। और अगर बात की जाए तो 4GB रैम के साथ हम लोगों को A15 बायोनिक मिलती है, और अगर इसकी 4GB रैम कर लो और एंड्रॉइड के अगर आप लोग 12GB रैम करो तो बराबर बनती है। और अगर मैं आप लोगों को साफ हालत में बॉक्स के साथ और यूज में जो मिलते हैं iPads, मोस्टली आप लोगों को तकरीबन 1.5 से लेकर 95,000 तक की रेंज में आप लोगों को साफ सुथरी हालत में मिल जाते हैं। अगर उनका बॉक्स ना हो, कंडीशन थोड़ी बहुत रफ हो, 9 out of 10 हो, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो अगर उस तरह का कोई iPad है तो वो आप लोगों को 90 से, मतलब अगर हम लोग 80 से 90 के बीच भी मिल जाता है, अगर बॉक्स वगैरह नहीं है या जस्ट एक दो चीजें हैं उसके साथ चार्जर वगैरह, तो इस तरह की हालत पे। खैर अभी हम लोग इसके अंदर गेम का लॉगिन वगैरह भी करेंगे, और बाकी की चीजें मैं आप लोगों को बता दूं तो इसके अंदर हम लोगों को 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। 60Hz का रिफ्रेश रेट है तो मैक्सिमम जो हमारे पास ग्राफिक्स आएंगे वो एक्सट्रीम पे स्मूथ आएंगे, लेकिन एक्सट्रीम पे हम लोग HDR भी इस पे खेल पाएंगे, क्योंकि मिनी 5 के अंदर भी वो वाला ऑप्शन है, और इसका एक्सट्रीम HDR आप लोगों को सच में मजा आने वाला है। अगर हीट वगैरह से रिलेटेड बताऊं तो यार इस डिवाइस को अगर आप लोग गेम वगैरह इसके ऊपर खेलते हो तो आप लोगों को ये हल्की फुल्की हीट देगा। देखो कोई भी डिवाइस है ना वो गर्म होती है, तो उसके लिए आप लोगों को उनको ठंडा एनवायरमेंट देना होता है। ठंडा एनवायरमेंट नहीं दे सकते, मतलब कोई AC वगैरह नहीं है रूम में, या तो कोई ठंडे एरिया में नहीं रहते, तो फिर आप लोग कूलिंग फैन परचेज कर लो। कूलिंग फैन इस टाइम पे जो नाइस, इस टाइम पे इसके ऊपर बर्फ बनी हुई है। और खैर अगर कूलिंग फैन वगैरह आप लोगों ने कोई भी परचेज करना है तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट करने का तरीका, और अगर आप लोगों ने कोई भी iPad परचेज करना है तो उसके भी परचेज का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आप लोगों को WhatsApp के चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और डेली हम लोग अपडेट्स भी देते रहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, चाहे iPad है, चाहे फोन है, चाहे कूलिंग फैन है। आप लोगों ने जो भी परचेज करना है या जो भी चीज है, हम लोग वहां पर अपडेट भी देते रहते हैं, और वहां पर आप लोग कॉल करके मैसेज करके आप लोग चीज ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो लेट्स गो, इसके अंदर हम लोग गेम का लॉगिन कर लेते हैं। अगर बैटरी के हिसाब से मैं आप लोगों को बात बताऊं तो यार बैटरी वाइज ये वाली डिवाइस स्टिल इस टाइम पे आप लोगों को तीन घंटे देती है, 3 घंटे से ज्यादा भी दे सकती है, और डिपेंड करता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। और लॉगिन के हिसाब से बात बताऊं तो यार अभी आने वाली एक अपडेट आएगी, एप्पल की अपडेट, ओके नाइस। गेम तो हमारी लॉगिन हो चुकी है, और आगे आने वाली एक अपडेट है जो कि एप्पल की अपडेट आएगी, उसके अंदर एक चीज़
थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। फर्क क्या पड़ने वाला है, वहां पर हम लोगों को मिलेगा गेमिंग मोड। अब जब गेमिंग मोड मिलेगा ना तो भाई मजे हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं यार, मैं वो पहले बता दूं। देखो आप लोग कभी भी नया आईपैड परचेज करते हो तो इसके ऊपर अभी नहीं लगा हुआ प्रोटेक्टर। जब आप प्रोटेक्टर के बगैर खेलोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, टच रिस्पॉन्स आप लोगों को अच्छा मिल रहा होगा, सारी चीजें अच्छी मिल रही होंगी। लेकिन जब आप लोग प्रोटेक्टर लगाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा हो, या कभी कभार बंदे को फील होने लग जाता है कि यार कहीं टच रिस्पॉन्स में मसला आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो आप लोग प्रोटेक्टर के बगैर खेलते हो तो यहाँ पर ना दो फिंगर्स के निशान बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके आईपैड की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो कोशिश करो जब भी आईपैड परचेज करो तो उसके साथ ही ना फौरन ऊपर प्रोटेक्टर लगा दो, और प्रोटेक्टर के बगैर गेम नहीं खेलो, आप लोगों के आईपैड बिल्कुल वैल्यू अपनी डाउन कर देंगे। मैं रिकॉर्डिंग के साथ अगर आप लोग इसको खेलना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग के साथ खेल पाओगे, लेकिन वही एक बात है कि यार गर्म होगा, कूलिंग फैन वगैरह चाहिए होगा। अभी हम लोग इसके ग्राफिक्स के अंदर चले जाते हैं, मैं आप लोगों को मेजर इसकी चीजें बता देता हूँ। ग्राफिक्स वगैरह देखो, एक्सट्रीम पे हमारे पास HDR तक हुआ है, मतलब 60 FPS अगर हम लोग स्मूथ पे करते हैं तो एक्सट्रीम प्लस वाला इसमें कोई भी सीन नहीं। अगर आप लोगों को कहता है 90 FPS वगैरह, 120 FPS नहीं आते इनमें एक्सट्रीम पे स्मूथ है, एक्सट्रीम पे बैलेंस है, एक्सट्रीम पे HD है, और एक्सट्रीम पे ही HDR है। मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि यार HDR पे 60 FPS खेलना 4x anti-aliasing के साथ शेडोज ऑन करके, तो यही वो वाली डिवाइस है कि जिसके ऊपर आप लोग खेल सकते हो। मतलब मैं इस वाली डिवाइस की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को मजा आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अगर कूलिंग फैन परचेज कर लेते हो, CX08 परचेज कर लो, ये CX08 है, डबल उसके साथ आता है ये जो सिंक है, हीट सिंक डबल लगी हुई है। CX07 छोटा सा था, CX08 थोड़ा सा बड़ा है। तो कूलिंग फैन लगा के अगर आप लोग खेलोगे तो आराम सुकून से आप लोग एक्सट्रीम HDR पे रख के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बाकी वो जो हल्का फुल्का गेम के अंदर लैग है वो तो मेरे iPad Pro M1 के अंदर आता है, तो वो तो भाई नॉर्मल है, वो चलता रहेगा। अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर हम लोगों को हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, मतलब आईपैड तो वो इतने पुराने भी है ना, उनके अंदर भी हार्डवेयर बेस्ड जायरो होता है। यहाँ पर इसके जो ग्राफिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं तो ग्राफिक्स भाई साहब बहुत ही जालिम, और पूरी की पूरी जो है ना ये देखो चमक रही है, मतलब हर चीज चमक रही है, और इतना स्मूथ इतना मलाई, आप लोगों को सच में मजा आने वाला है। यहाँ पर इसके जायरो को चेक करो, अगर तो आप लोग जायरो प्लेयर हो और आप लोग ऑलरेडी किसी फोन वगैरह पे खेलते हो और आप लोग आईपैड पे शिफ्ट होना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा यार एक बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग इस पे शिफ्ट हो सकते हो। और नहीं है सबर, अच्छा इसके आपको राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, टच फिंगर सेंसर यहाँ पर है, तो राइट लेफ्ट का ना साउंड की थोड़ी बहुत समझ आती है। मतलब अगर आप हेडफोन्स के बगैर भी खेल रहे हो आपको पता होता है कि लेफ्ट साइड से फायर हो रहे हैं या राइट साइड से फायर हो रहे हैं। तो यार एक छोटा सा गेम प्ले किया है, वो भी HDR एक्सट्रीम पे रख कर और हैवी ग्राफिक्स के साथ, और मेरे रूम के अंदर किसी किस्म की कोई भी कूलिंग वाली चीज़ नहीं लगी हुई, लाइक फैन तक नहीं चल रहा, और अगर हम लोग हीट की बात करें तो मेरा आईपैड हीट हो रहा है, और ये तकरीबन इसकी 43 तक हीट गई है। अगर तो मैंने इसको रखा हुआ होता है स्मूथ एक्सट्रीम पे तो ये मैक्सिमम 40 पे जाता, अब मैंने रखा हुआ था एक्सट्रीम HDR पे और इसने आप लोगों के सामने बुलेट्स की कनेक्टिविटी में जरा सा भी मसला नहीं किया, यहीं पे सिंगल बिल्कुल जरा सा भी FPS ड्रॉप नहीं किए, ना ही कोई लैग शैक दिया, तो बहुत तगड़ी मलाई परफॉर्मेंस दी है इसने, मतलब HDR एक्सट्रीम के साथ। अब अगर हम लोगों ने इसको लगा के रखा हुआ होता कूलिंग फैन तो मैं आप लोगों को यकीन से बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो इसकी जानी थी ना, मतलब हीट जो जानी थी वो 37 या 38 तक जानी
जानी थी, इससे ज्यादा इसकी हीट नहीं जानी थी। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार अगर आप लोगों ने इसको मतलब iPad mini 6 लेना है और आप लोग साथ में गेमिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग अपनी डिवाइस को अच्छा रखने के लिए कूलिंग फैन लाजिम से ले लेना, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो रिकॉर्डिंग्स वगैरह में और स्ट्रीमिंग वगैरह अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसमें मसला ना हो। बाकी यार ओवरऑल अगर डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। स्टिल ऐसी डिवाइस है कि जो कि आप लोगों के 2 साल आराम सुकून से निकाल जाएगी, 1.5 से 2 साल आराम सुकून से निकाल जाएगी। मतलब FPS वगैरह लैग नहीं होंगे, मतलब FPS ड्रॉप नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, आप लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर पाओगे नॉर्मल रूटीन के, जो अच्छे गेम प्लेज वगैरह निकालना चाहते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो सारे के सारे काम आप लोग इजीली इस पे कर पाओगे। फिर अगर आप लोगों ने ये डिवाइस परचेज करनी है, जो इस टाइम पे मेरे पास iPad अवेलेबल है ये वाला, अगर ये परचेज करना है तो आप लोगों ने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करके आप लोग ये वाला परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास डिवाइसेस वगैरह आती रहती है, iPads वगैरह आते रहते हैं, आप लोगों को हम लोग अपडेट भी देते रहते हैं। व्हाट्सएप के चैनल को लाजिम से ज्वाइन कर लो, वहां पर हम लोग अपडेट भी देते रहते हैं। रिव्यू से अगर कोई हेल्प मिली है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट करके मुझे जरूर बताने है। मैं मिलूंगा अपने प्यारे प्यारे जानवरों को एक और नई वीडियो के साथ। मेरे को दो इजाजत, टाटा बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।